हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डीएनए की आणविक संरचना का वाटसन एवं क्रिक के मॉडल को समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में डीएनए की आणविक संरचना का अध्ययन किया और इस कार्य के लिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने बताया कि डीएनए दो स्ट्रैंड या श्रृंखलाओं का बना होता है और ये दोनों श्रृंखलाएं लिपट करके एक द्विकुंडलित संरचना बनाते हैं। आप यदि इसको देखिएगा तो एक घुमावदार जो सीढ़ी होता है उसके समान ये दिखाई देता है। तो आइए पहले इनके संरचना का चित्र बना लें। यदि आप सरल तरीके से चित्र बनाना चाहते हैं तो पहले आप दो आउटलाइन ऐसे खींच लेंगे इस तरीके का, और इसके स्ट्रैंड या श्रृंखलाओं को बनाने के लिए आप इस तरह से कुछ पट्टियां बनाएंगे इस पे। और आप इधर से भी इसको फिर मिलाते जाइए। और इतना बनाने के बाद आप इसके दोनों साइड को इस तरीके से मिटा दीजिए। अब देखिए कैसे मिलेगा। यहाँ पे आप इस तरीके से इनको मिलाइए यहाँ पे। इधर भी आप मिला दीजिए। तो उन्होंने इस तरीके का डीएनए का संरचना बताया था। इस चित्र को सरल तरीके से समझने के लिए हम डीएनए के रासायनिक संगठन को पहले समझते हैं। डीएनए कई न्यूक्लियोटाइडों के मिलने से बनता है, अर्थात डीएनए एक बहुलक होता है जिसमें लाखों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से बनते हैं पहले उसको देख लीजिए। डीएनए तीन घटकों से बना होता है। पहला नंबर आता है शर्करा, इसमें पेंटोज 5 कार्बन का शर्करा डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। दूसरा नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजिनस बेस, और तीसरा फास्फेट समूह फास्फोरिक अम्ल के रूप में। इसमें शर्करा का यदि संरचना देखेंगे तो डीएनए है तो डी ऑक्सीराइबोज शर्करा होगा और इसका संरचना इस तरीके का होता है। 5 कार्बन पाए जाते हैं, एक यहाँ पर इस तरीके से और 5वां कार्बन यहाँ पे, और ये दोनों ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। यदि इनको नंबर देंगे तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। सभी जगह एच और ओ एच जुड़ा होता है, लेकिन इस दूसरे वाले कार्बन में यदि यच दोनों साइड ये जुड़े हुए हैं तब ये कहलाता है डी ऑक्सीराइबोज शर्करा, और यदि यहाँ पे ओ एच हो तब कहलाता है राइबोज शर्करा। तो आरएनए में ये राइबोज शर्करा पाया जाता है जबकि डीएनए में ये डी ऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। आगे के चित्रों में हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। नाइट्रोजनी क्षार दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्यूरीन और दूसरा होगा पिरिमिडीन।
प्यूरिन दो तरीके का इसमें पाया जाता है, एडिनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन भी दो तरीके के इसमें पाए जाते हैं, थायमिन और साइटोसिन। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिए कि आरएनए में थायमिन के जगह में यूरेसिल पाया जाता है। तो इस तरीके से आरएनए और डीएनए में दो महत्वपूर्ण अंतर तो यहीं पे है कि एक उसमें राइबोज शर्करा पाया जाएगा आरएनए में, और दूसरा थायमिन के जगह में यूरेसिल पाया जाएगा। फास्फोरिक अम्ल दोनों में समान होता है, इसका फार्मूला होता है H3PO4। अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। तो देखिए, यदि ये पेंटोज शर्करा ये है, पांच कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, इसके पहले वाले स्थान पे यदि कोई नाइट्रोजनी बेस आकर के जुड़ जाए, मान लीजिए हम ए को जोड़ दिए, एडिनिन को, तो इस शर्करा से जब कोई भी नाइट्रोजनी बेस जुड़ता है तब बनता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड छोटे अणु होते हैं न्यूक्लियोटाइड की तुलना में, और जब इसके साथ ये फास्फोरिक अम्ल भी आकर के जुड़ जाए, मान लीजिए यहाँ पर पांचवें कार्बन पे आकर के फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है, तब ये संरचना कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड में एक शर्करा होगा, एक कोई भी बेस होगा चारों में से, और एक फास्फोरिक अम्ल पाया जाएगा। इस तरह के बहुत सारे अर्थात लाखों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड मिल करके स्ट्रैंड का निर्माण करते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड इसमें किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड को यहाँ इस तरीके से बनाएंगे, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, मान लीजिए उसके साथ एडिनिन जुड़ा हुआ है। इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को हम बना सकते हैं। इसमें हम छह की संख्या बना देते हैं। और सभी के साथ कोई बेस को जोड़ देंगे। पहली श्रृंखला में तो आप किसी भी बेस को जोड़ सकते हैं, ए टी जोड़ दीजिए, जी लिख सकते हैं, सी टी ए, और सभी में फास्फोरिक अम्ल। इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बन गए। ये सभी न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइस्टर बंध के द्वारा, ये जो तीसरा कार्बन है इससे और ये पांचवें कार्बन के साथ इस तरीके से फास्फोडाइस्टर बंध बना करके ये जुड़ जाएगा, और ये शुगर हो जाएगा। इसमें जो श्रृंखला है ये तीन कार्बन से पांच कार्बन की ओर है, तो इसका जो दिशा होगा उसको हम इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे तीसरा कार्बन है और यहाँ पे पांचवा कार्बन है, उस आधार पर 3 एंड से 5 एंड की ओर। वाटसन और क्रिक ने बताया कि ये डबल हेलिक्स होता है, दो श्रृंखलाएँ होंगे और दोनों श्रृंखलाएँ प्रति समानांतर एंटी पैरेलल होते हैं, अर्थात एक कैदी 5 एंड है तो दूसरे का उस ओर 3 एंड होगा। तब हम इसको फिर बनाएंगे, लेकिन उसका दिशा नीचे की ओर करेंगे इस तरीके से। तो हम इस तरीके से बनाते जाएंगे इसको। ये सभी का शुगर हो गया डीऑक्सीराइबोज शर्करा। सभी में एक एक बेस जोड़ना है, इस तरीके से। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बेस है उसका पूरक, अर्थात यदि ए है तो वहाँ पे आएगा टी, और यदि जी है तो वहाँ पे आएगा सी। उस हिसाब से आप उस नाइट्रोजनी बेस को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे टी रखना पड़ेगा, टी है तो ए, जी है तो सी, सी है तो जी, टी है तो ए, और ए है तो टी।
पहले वाले श्रृंखला में आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सेकंड वाला जो श्रृंखला होगा ये इसके जस्ट पूरक होगा। यहाँ पे फास्फोरस फास्फोरिक अम्ल के रूप में जुड़ेगा, और इसमें भी एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फास्फोडाइस्टर बंध से जुड़ा होता है। इसमें देखिए यहाँ पे पांचवा कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन, तो इसका जो दिशा होगा ये इस तरीके से थ्री इंड से फाइव इंड की ओर होगा। इसके आधार पर हम इसको भी कह सकते हैं कि ये यदि फाइव इंड है तो ये जहाँ पे समाप्त हुआ है जा करके ये होगा थ्री इंड, और ये जस्ट थ्री इंड होगा तो इसका अपोजिट वाला हो जाएगा फाइव इंड। आगे देखिए इस श्रृंखला में ये दोनों एडिनिन थायमिन के साथ हाइड्रोजन बंध से जुड़ा हुआ होता है, और ये दोहरे हाइड्रोजन बंध से जुड़ते हैं, तो यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बंध। उसी प्रकार थायमिन एडिनिन के साथ डबल, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बंध, साइटोसिन ग्वानिन के साथ भी ट्रिपल होगा, अर्थात जहाँ जहाँ एडिनिन है वो थायमिन से डबल हाइड्रोजन बंध से जुड़ेगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के साथ युग्मन करेगा। तो इस तरीके से आप इस चित्र को बना सकते हैं। अब इसके आधार पर देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे जो एक कुंडलन होता है, या यहाँ से यहाँ ले लीजिए, यहाँ से यहाँ, इसके बीच में 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर पाए जाते हैं। एक कुंडलन के बीच में 10 न्यूक्लियोटाइड को हम शो कर देंगे। यहाँ मान लीजिए ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जस्ट इसके अपोजिट आप लगाते जाइए, ए है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, टी, टी है तो ए, और जी है तो सी, सी है तो जी, ए है तो टी, टी है तो ए, जी है तो सी, ए है तो टी, और टी है तो ए। अब इसमें इनके बीच में आप डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल जी और सी के बीच में ट्रिपल, यहाँ पर भी आप ट्रिपल शो कीजिए, यहाँ पे डबल हो जाएगा, यहाँ डबल, यहाँ ट्रिपल हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक कुंडलन के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होता है, और एक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड के पेयर पाए जाते हैं, तो दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। 34 को 10 से भाग दे देंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और इसमें एक जो हेलिक्स है, ये इस हेलिक्स की या कुंडलन की जो चौड़ाई होगी ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। इसके बीच में एक एक्सिस या अक्ष पाया जाता है, ये इसका अक्ष है। इस तरीके से आप डीएनए की संरचना को बना सकते हैं। इस तरीके से जब दोनों संरचना बन गए तो आप बहुत सरल तरीके से इसका वर्णन भी कर सकते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। डीएनए का अणु दो श्रृंखलाओं या दो स्ट्रैंड का बना होता है। ये दोनों स्ट्रैंड आपस में लिपट कर एक द्विकुंडलित संरचना बनाते हैं, ये सीढ़ीनुमा संरचना बनाएंगे। दोनों श्रृंखलाएँ कई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, अर्थात ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का श्रृंखला होता है जो अशाखित होता है, इसमें किसी भी प्रकार का शाखा नहीं निकला होगा। इन न्यूक्लियोटाइडों के बारे में बता दीजिए कि न्यूक्लियोटाइडों के बीच में फास्फोडाइस्टर बंध पाया जाता है। आगे फिर बताएंगे कि दोनों जो श्रृंखलाएं होते हैं ये प्रतिसमानांतर होते हैं, एंटी पैरेलल होंगे, अर्थात एक का 5 इंड दूसरे के 3 इंड सिरे के समीप होता है, ये देखिए इसमें। और दोनों श्रृंखलाएँ एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा, बीच में जो बंध बनाए हैं इसके द्वारा ये दोनों श्रृंखलाएं जुड़े होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, इस कुंडलन के बारे में बताइए। एक कुंडलन के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होता है,
जिसके बीच 10 न्यूक्लियोटाइड के जोड़े पाए जाते हैं और दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच में 3.4 एंगस्ट्रांड की दूरी होती है। यहाँ पर भी बताइए, एक कुंडलन जो होता है इसकी जो चौड़ाई या व्यास होगी वो 20 एंगस्ट्रांड होता है। और इनको भी बताइए आप कि एडिनिन हमेशा थायमिन के साथ और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ युग्मन करता है। एडिनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बंद और ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। एडिनिन और थायमिन का अनुपात तथा ग्वानिन एवं साइटोसिन का अनुपात स्थिर होता है, अर्थात जितना एडिनिन पाया जाएगा उतना ही थायमिन पाया जाएगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। और अंत में आप ये भी बता देंगे कि प्रत्येक जीव के लिए जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनका क्रम निश्चित होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप वाटसन एंड क्रिक के डीएनए मॉडल को समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।